दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की की रणनीतिक साझेदारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। तुर्की ने अपना बायर कतार TB2 ड्रोन पाकिस्तान को दिया है। यह ड्रोन अर्मेनिया, अजरबैजान और रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बायर कतार TB2 ड्रोन का पहला बैच पाकिस्तान में पहुँच चुका है। पाकिस्तान को यह ड्रोन मिलना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि भारत के विरोध में तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया है। उसके नेता और प्राइवेट कंपनियां भी भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने से पीछे नहीं रहती। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी के CEO और राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद हलूक बैरकतार ने सितंबर 2022 में कहा था कि दक्षिण एशिया में वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को ड्रोन देगा। उन्होंने कहा था कि वो उन दो देशों को ड्रोन नहीं बेचता जो आपसी संघर्ष में हो। इसके साथ ही दोस्ताना संबंध बनाने वाले देशों को ड्रोन दिया जाएगा। हालांकि उनके इस बयान से यह साबित हो गया कि तुर्की भारत को अपना मित्र राष्ट्र नहीं मानता। वहीं भारत ने जब तुर्की में भूकंप आया था तो अपनी सेना और NDRF की टीम को भेजकर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। यूक्रेन युद्ध के दौरान तुर्की के इस ड्रोन ने रूस की सेना पर कहर बरपाया था। इस ड्रोन में कामयाबी को देखकर दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों में यह ड्रोन है। इसके अलावा 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के बाद इस ड्रोन को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी थी कि तुर्की के इस ड्रोन में कई अमेरिकी पुर्जे लगे हुए हैं। इसकी डिमांड बढ़ने के कारण अमेरिका में इन पुर्जों को तुर्की को निर्यात पर रोक लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान का यह ड्रोन एक एडवांस AES रडार सिस्टम से लैस है, जो हाई रेजुलेशन वाली तस्वीर प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही इस रडार के जरिए ड्रोन एक ही समय पर कई लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान को मिलने वाला यह ड्रोन 1300 किलोग्राम से ज़्यादा का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। यह ड्रोन हवा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल, बम और कई गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना लगा सकता है। यह ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह 27 घंटे हवा में भी रह सकता है। विमान ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। इसे 300 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या भारत के पास इसे काउंटर करने के लिए कोई ड्रोन है? तो आपको बता दें कि हाँ, भारत के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो इसे भारत की सीमा में घुसने से रोक सकते हैं। भले इस वक्त पाकिस्तानी सेना बैरकतार ड्रोन को लेकर खुश हो रही हो, लेकिन भारत के ड्रोन्स के सामने ये कहीं नहीं टिकेगा। तो चलिए आपको उन ड्रोनों से भी रूबरू करवाते हैं। पहला ड्रोन है कैट्स वॉरियर। दोस्तों, HAL द्वारा बनाए जा रहे कैट्स वॉरियर ड्रोन में PT-AE7 ट्विन टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करेगा। यह स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें HAL द्वारा बनाए जा रहे कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। इन दोनों ड्रोन्स को 350 किलोमीटर की रेंज में छुपे दुश्मन पर दाग कर वापस भी बुलाया जा सकता है। अब जब यही ड्रोन बैरकतार ड्रोन से इतना बेहतर है, तो भारत को बैरकतार ड्रोन मिले या ना मिले, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आपको दूसरे ड्रोन तपस BH-201 से भी मिलवाते हैं। दोस्तों, तपस का पूरा नाम टेक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है। इसे भारत के DRDO ने ही बनाया है। तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 2023 के एरो इंडिया में दुनिया ने इसकी ताकत और क्षमता का नमूना देखा है। हालांकि इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद ये भारतीय सेना में जल्द शामिल हो जाएगा। तपस ड्रोन के अन्य खूबियों की बात करें तो यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20.6 मीटर के विंग स्पैन वाला तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों पर
घातक बमों की बारिश भी कर सकता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं तीसरे और भारत के सबसे घातक ड्रोन के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं DRDO के घातक। अब इसका नाम ही घातक नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे घातक ड्रोन भी होने वाला है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर आधारित है, यानी यह एयरक्राफ्ट अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। साथ ही कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह ड्रोन अपने साथ छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड यानी टैक्टिकल बमों को भी ले जा सकता है, यानी हम इसे भारत का पहला स्टिल्थ अनमैंड बॉम्बर भी कह सकते हैं, जिसे सिर्फ दुश्मनों पर तबाही बरसाने के लिए ही बनाया गया है। यह अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सेंसर और AESA रडार लगा हुआ है। साथ ही यह देखने में B2 स्पिरिट बॉम्बर जैसा लगता है। घातक के स्केल्ड डाउन टेस्ट बेट की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी और पूरी दुनिया ने उसी दिन इसे पहली बार देखा था। इसका आखिरी परीक्षण इस साल के आखिर तक होगा। अगर इसकी ताकत और खासियत की बात की जाए तो इसकी जानकारी तो DRDO ने नहीं दी है, लेकिन इसके पहले प्रोटोटाइप को देखें जो असली घातक के मुकाबले काफ़ी छोटा और कमज़ोर है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की जा रही है। उसी की खासियतों को देखें तो उस वक्त इसकी रेंज 200 किलोमीटर रखी गई थी, जिसका कुल वजन तकरीबन 1500 किलोग्राम का था। इसमें 30,000 फीट की ऊंचाई को छुआ था। अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो इसमें एक फाइटर जेट जितना ताकतवर इंजन लगाया जाएगा, यानी यह आसानी से 1.5 मैक से लेकर 2 मैक की स्पीड पकड़ सकता है। अब इन सब चीज़ को देखकर इसके असली वर्जन के पेलोड की क्षमता का अनुमान लगाया जाए तो यह अपने साथ तकरीबन 2000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की ताकत रखेगा। तुर्की का बायरकटार ड्रोन फुल्ली स्टिल्थ नहीं है, यानी भारत उसे अपने रडार से आसानी से पकड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान भारत के इनमें से किसी भी ड्रोन को अपने रडार से नहीं पकड़ सकता। यानी दोस्तों इसका मतलब साफ है कि चाहे पाकिस्तान के पास कोई भी हथियार आ जाए वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि भारत जब चाहे तब उसके नक्शे को बदल सकता है और अपने POK को वापस लेने की ताकत रखता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का बायरकटार TB2 ड्रोन भारतीय ड्रोन पर भारी पड़ सकता है? क्या लगता है आपको हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।